नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुद्रानी है, आपकी हेक्सा हेल्थ एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे वैरिकोज वेंस की ट्रीटमेंट के कॉस्टिंग के बारे में। वैरिकोज वेंस एक डिजीज है जो हमारे पैरों को इफेक्ट करती है। वैरिकोज वेंस होने का एक कारण है वो हमारे बेसिक वेसल्स जो हमारे पैरों में खून ले जाती है उसको इफेक्ट करती है। वैरिकोज वेंस के कॉजेज काफ़ी होते हैं। वैरिकोज वेंस जनरली उनको इफेक्ट करते हैं जो ओबीज होते हैं या हार्ट के मरीज हैं, कभी कभी प्रेग्नेंट लेडीज में भी दिखाई देता है, या फिर जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। वैरिकोज वेंस का ट्रीटमेंट आजकल बहुत एडवांस तरीके से होता है। बेसिकली एक सिंपल वेसल को जो ब्लॉकेज है उसमें, उस ब्लॉकेज को हटाया जाता है। ये सर्जरी यूजली एक वैस्कुलर सर्जन परफॉर्म करते हैं। अब वो कैसे परफॉर्म करते हैं वो डिपेंड करता है आपके कंडीशन पे। जो सिवेरिटी होती है वैस्कुलर ब्लॉकेज की आपके पैरों में, वो एक टेस्ट के दौरान पता चलता है कि कितना ब्लॉकेज है, जिसको हम एक डॉपलर टेस्ट कहते हैं। बेस्ड ऑन दैट योर ट्रीटमेंट ऑल्सो डिफर्स एंड द कॉस्टिंग ऑल्सो डिफर्स। फॉर वन लेग वैरिकोज ट्रीटमेंट कॉस्ट अराउंड 55,000 to 85,000। अब ये ट्रीटमेंट हायर सेंटर पे, कौन से हॉस्पिटल और कौन से डॉक्टर से आप कराते हैं उस पर डिपेंड करता है। सेकेंडली, वैरिकोज वेंस का सर्जरी आपका मिनिमम 1 to 2 days का स्टे होता है, डिपेंडिंग अगेन ऑन योर बॉडी कंडीशन। इफ़ यू हैव एनी कोमॉर्बिडिटीज और इफ़ यू हैव एनी अदर एलमेंट, उससे आपका ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग होता है। बट डरने की बात नहीं है, ये ट्रीटमेंट काफ़ी सक्सेसफुल है। जो डॉक्टर और जो हॉस्पिटल आपको ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है वो यूजुअली आजकल लेज़र टेक्निक या स्क्लेरोथेरेपी यूज़ करता है। ये ट्रीटमेंट दोनों तरीके से आपके इंश्योरेंस में भी कवर्ड है। अब इंश्योरेंस आपका कौन से हॉस्पिटल में पैनल है और कहाँ कौन से शहर में कराते हैं, उससे भी आपका प्राइस अफेक्ट करता है। और जानकारी लेने के लिए और इस ट्रीटमेंट के बारे में और समझने के लिए आप हमारे हेक्सा हेल्थ वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।